हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 11 जनवरी को होने वाले रॉ के प्रीव्यू के बारे में, जिसके लिए WWE ने एक बड़ा टाइटल मैच कंफर्म कर दिया है, तो वहां का टाइटल चेंज हो सकता है। इसके अलावा गोल्डबर्ग अटैक करेंगे ड्रू मैकइंटायर पर। रॉयल नंबर पेपर वी के लिए और भी मैच अनाउंस होंगे, रॉयल नंबर मैच के लिए एंट्रेंस अनाउंस होंगे, नेक्स्ट रॉ के लिए काफ़ी तगड़ा बिल्डअप होने वाला है। और गाइस, इसी के साथ बात करेंगे लास्ट स्मैकडाउन की व्यूअरशिप क्या रही, जहां पर सिर्फ रोमन रेंस का जलवा था, और कौन से स्मैकडाउन के सुपरस्टार ने धमकी दे दी है रोमन रेंस को। इन्हीं सब अपडेट्स के बारे में आज की इस वीडियो में बात करेंगे, तो गाइस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं आपके एक प्यारे से लाइक से। और हमेशा की तरह फीमेल फर्स्ट, गाइस नेक्स्ट इस रॉ पर हमें देखने को मिलेगा टाइटल के लिए चैलेंज, और यहाँ पर लेसी इवांस एंड पेटर रॉयस चैलेंज करेंगे आस्का और शार्लोट फ्लेयर को इस वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप के लिए, क्योंकि हमने देखा था पिछले हफ्ते रॉ पर इन दोनों सुपरस्टार्स ने एक टैग टीम मैच में हराया था आस्का और शार्लोट फ्लेयर को, तो यहाँ पर उन्हें टाइटल अपॉर्चुनिटी मिलनी बनती है। और रॉयल नंबर पेपर के लिए WWE टैग टीम मैच अनाउंस कर सकती है नेक्स्ट रॉ पर। इसके अलावा गाइस, हमें एक और टाइटल चैलेंज देखने को मिल सकता है, और यहाँ पर मैट रिडल चैलेंज कर सकते हैं बॉबी लैशली को यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए, क्योंकि पिछले हफ्ते मैट रिडल ने भी आखिरकार बॉबी लैशली को डोमिनेट किया था, मैच में हराया था बॉबी लैशली को। तो यहाँ पर अब WWE मैट रिडल और बॉबी लैशली की फ्यूड कंटिन्यू रखेगी, और आगे आने वाले टाइम में हमें मैट रिडल वर्सेज बॉबी लैशली का मैच भी कन्फर्म होता दिखाई देगा रॉ के एपिसोड पर रॉयल रंबल पेपर वी के लिए। इसके अलावा गाइस, हमें एक और टैग टीम मैच देखने को मिलेगा, यहाँ पर एजे स्टाइल्स और उनके पार्टनर ओमोस फेस करेंगे एलाइस और जैक्सन राइकर को। गाइस, जैसे कि आपने देखा होगा, एजे स्टाइल्स अब तक दो बार मैच रेसल कर चुके हैं एलाइस से, पर हमें ओमोस का भी एक्शन देखने को मिला और जैक्सन राइकर भी एलाइस की मदद कर रहे थे, तो यहाँ पर अब टैग टीम मैच देखने को मिल सकता है और ओमोस हमें ऑफिशियली फाइट करते हुए दिखाई देंगे नेक्स्ट रॉ पर। इसके अलावा हमें हर्ट बिजनेस के मेंबर सेड्रिक एलेक्जेंडर और शेल्टन बेंजामिन, जो कि है रॉ टैग टीम चैंपियन, इनकी फ्यूड देखने को मिलेगी कंटिन्यू लूचा हाउस पार्टी से ही, और हो सकता है WWE लूचा हाउस पार्टी को टाइटल पिक्चर में डाले, और हमें फिर से एक बार रीमैच देखने को मिल सकता है दोनों टैग टीम के बीच में नेक्स्ट रॉ पर। इसके अलावा गाइस, बात करें उस मैच की जो कि हाइलाइटेड है नेक्स्ट रॉ के लिए, WWE ने एडवर्टाइज कर दिया है, वो होने वाला है WWE चैंपियनशिप के लिए ड्रू मैकइंटायर वर्सेस रैंडी ऑर्टन का। मेरे हिसाब से चौथी या पांचवी बार इनके बीच में रीमैच है, और यहाँ पर ड्रू मैकइंटायर अपनी चैंपियनशिप डिफेंड करने वाले हैं। और लगातार दूसरी रॉ पर पिछले रॉ पर कीथ ली के अगेंस्ट डिफेंड की थी, तो क्या यहाँ पर भी डिफेंड कर पाएंगे, यहाँ पर टाइटल चेंज हो सकता है। गाइस, यहाँ पर एक बड़ा शॉकिंग मोमेंट हमें देखने को मिल सकता है, क्या यहाँ पर WWE ड्रू मैकइंटायर से चैंपियनशिप ले सकते हैं, रैंडी ऑर्टन बन सकते हैं न्यू WWE चैंपियन। पर गाइस, जो भी हो इस मैच में, मैच तो काफ़ी बढ़िया हो गई, हमें मेन इवेंट में देखने को मिलेगा, पर गाइस मैच के बाद गोल्डबर्ग रिटर्न करेंगे और वो अटैक करेंगे ड्रू मैकइंटायर पर। अगर यहाँ पर ड्रू मैकइंटायर में चैंपियनशिप रिटेन कर लेते हैं, तो गोल्डबर्ग और ड्रू मैकइंटायर के बीच में हमें एक तगड़ा एक्शन देखने को मिलेगा, तगड़ी ब्रॉल देखने को मिलेगी, और WWE यहाँ पर गोल्डबर्ग को ही स्ट्रॉन्ग दिखाएगी यहाँ पर इस फ्यूड में हाइप क्रिएट करने के लिए। गोल्डबर्ग डोमिनेट कर सकते हैं और स्पेयर लगा सकते हैं नेक्स्ट रॉ पर ड्रू मैकइंटायर को। तो गाइस, ये मैच देखना भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। इसके अलावा WWE रॉयल नंबर पेपर के लिए और भी मैच अनाउंस करेगी, रॉयल नंबर मैच के लिए और भी एंट्रेंट्स अनाउंस होंगे, सिर्फ तक एजे स्टाइल्स और रैंडी ऑर्टन कन्फर्म्ड है। इसके अलावा फीमेल डिवीजन से हमें एक और सिंगल्स मैच देखने को मिल सकता है, जो कि साइना बेजले वर्सेस डायना ब्रुक का। तो दोस्तों, ये सब मैच और सेगमेंट हमें देखने को मिलेंगे नेक्स्ट रॉ पर, तो नेक्स्ट रॉ काफ़ी और मज़ेदार, इसे बिल्कुल मिस मत करना। पर अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। तो गाइस, सबसे पहले बात कर लेते हैं लास्ट स्मैकडाउन की व्यूअरशिप के बारे में, जहां पर हमें मेन इवेंट में गॉन्टलेट मैच देखने को मिला और रोमन रेंस ने अटैक किया ऑफिशियल एडम पियर्स पर। तो गाइस, स्मैकडाउन की व्यूअरशिप आई है 2.013 मिलियन, जो कि ओवरनाइट रेटिंग है, और जो एक्चुअल व्यूअरशिप आएगी एक दो दिन बाद वो इससे मैं यही बात करने वाला हूँ कि हमें क्या कुछ देखने को मिलने वाला है इस वीक के मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में। साथ ही साथ मेरे पास रोमन रेंस के रॉयल रंबल से जुड़ी एक काफी बड़ी अपडेट है। सबसे पहले हम शुरुआत कर लेते हैं रॉ से रिलेटेड थिंग से। तो सबसे पहली चीज जिसे WWE ने ऑफिशियल कर दिया, वो एक नॉन टाइटल मैच रैंडी ऑर्टन वर्सेस ड्रू मैकइंटायर के बीच, यानी कि ये कोई चैंपियनशिप के लिए नहीं होने वाला। तो जैसा कि हम सब ने इसी ईयर इनके बीच एक काफी जबरदस्त फ्यूड देखा है, एंड इस वीक के रॉ में ये दोनों फिर से आपस में भिड़ने जा रहे हैं, बट इस बार ये दोनों बिल्कुल अलग अलग स्टोरी लाइन में, यानी कि रैंडी ऑर्टन की फ्यूड चल रही है ब्रे वाइट के साथ और ड्रू मैकइंटायर की गोल्डबर्ग के साथ। इसलिए WWE इन दोनों में से किसी को भी क्लियर हराएगी इसके काफी कम चांसेस है, यानी कि यहाँ पर हमें किसी न किसी की इंटरफेरेंस देखने को मिल सकती है, जैसे कि मिस्टर मनी इन द बैंक मिस कैश इन करने की कोशिश करे ड्रू मैकइंटायर के ऊपर, या फिर हमें ब्रे वाइट या फिर द फिंड का रिटर्न देखने को मिल जाए, जहाँ पर वो आकर अटैक करे
रैंडी ऑर्टन के ऊपर, या फिर जो सबसे बड़ी चीज हो सकती है वो ये कि गोल्डबर्ग के इंटरफेरेंस देखने को मिले इस मैच में, जहां पर वो आकर अटैक करे ड्रू मैकइंटायर पर एंड डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप प्लेस कर बता दे कि रॉयल रंबल के पे पर व्यू में ड्रू मैकइंटायर को हराकर बन सकते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन। और जैसा कि आप सबको पता ही है अभी सिर्फ गोल्डबर्ग ने चैलेंज किया ड्रू मैकइंटायर को, यानी कि ड्रू मैकइंटायर ने गोल्डबर्ग के चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं किया, तो इस क्लिप के रॉ में हमें ड्रू मैकइंटायर गोल्डबर्ग के चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए दिख सकते हैं, जिसके बाद इनका मैच ऑफिशियल हो